दोस्तों आज देखिए क्या गजब हो रहा है यहाँ मेरी किचन में। देखिए जरा मैं क्या बना रही हूँ, शादी वाले स्टाइल गोभी आलू अलग अलग फ्राई करके, मतलब गोभी और आलू एक साथ पहले फ्राई कर रही हूँ। ये भी ऐसे ही करते हैं ना मेरे साथ, जब मैं कुछ बनाती हूँ तो आकर बोलते हैं आज मैंने ये बनाया, देखिए मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। तो आज आपके जीजू जो हैं, कुछ ओरिजिनल करो, नकल क्यों कर रहे हो मेरी, मुक्का मार दूँ यहीं पे गोभी हाथ फ्राई कर दूँ तुम्हें। हाँ, ये तुम्हारा है। गाइस आज मुझे बहुत काम है घर में, तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी, आज संडे है तुम फ्री हो, खाली बैठे फालतू चीजें टीवी में देखते रहते हो, ऐसी बोलूंगी बेबी, वैसी बोलूंगी, तुम मेरे साथ बहुत पंगे लेते हो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने बोला कि कुछ बना दो लंच के लिए, मुझसे रिक्वेस्ट की, चरण पड़ी मेरे, मैंने तब उठा लिया, मैंने कहा चलो मैं कुछ करता हूं। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चरण पड़ी हाँ। जिसमें ये खुश रहे। तो बड़ा सोच स्टाइल ये है कि इसमें पहले मसाला डालो, ओके, फिर उस मसाले को थोड़ा सा पानी डालो उसमें। अच्छा, इन्होंने ना रेसिपी देखी है यूट्यूब पे। वैसे पता है जब ये इस तरह से देख दुख के बनाते हैं ना, चीज तो स्वाद बन जाती है भाई साहब। क्योंकि अब वो तो प्रॉपर रेसिपी फॉलो करते हैं ना, ये मोरो ये लो, तुम्हारी जुबान ऐसे लड़खड़ा, ये लो डालो 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 करो, सॉरी बोलो, हां सॉरी लड़खड़ा, मैं तो पहले लिख के देते हो इसमें क्या बोल गाइस, गंद इतना डाल के जाएंगे ना मेरी किचन में। पर चलो कोई नहीं, बना तो रहे हैं ना, बहुत है तुम्हारा टाइम है तो तुम आके बना क्यों नहीं लेते। नहीं मैं एडिटिंग कर रही हूं, तो टाइम वेस्ट करने आ रही। कभी कभी ऐसे मजे लेने चाहिए पति से, ऐसे पति लोग काम सीख जाते हैं, फिर कभी हमें कहीं जाना पड़ जाए या हमें कुछ हो जाए तो ये कर सकते हैं ना। हाँ, तुम्हें कुछ होता कहाँ है, हाँ चाहो चाहो तुम, हो जाएगा, चिंता मत करो, ज्यादा जीती है, जीती है, एग्जांपल देख लो सारे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके, कुछ भी है? जिसका जितना लिखा है वो उतना ही जिएगा, औरत हो या आदमी, औरतें ज्यादा जीती है। चलो चलो काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो, नहीं तो बिना नमक की सब्जी बना दोगे। नमक डाला, डाल चुका ऑलरेडी, नमक डाल दी, किस में डाला, गोभी आलू में। हे भगवान, फ्राई करने से पहले नमक डाल दिया है, जब पता ना हो तो शेफ से बात नहीं की जाती है ऐसे। शेफ तो थोड़ा तो देखो गाइस, सारा जला दिया मसाला, हे प्रभु राधे राधे। तुम्हें खानी नहीं है ना, तुम उधर जाओ, तुम इधर पंगे ले, क्यों नहीं खाऊंगी मैं, अब वाह ये बनाएंगे तो ये मुझे खिलाएंगे भी नहीं, तो मुखबंग कर रहा है ना अपना, तो जाओ अपना मुखबंग, मैं कर लूंगी, मैं टेस्ट तो करूंगी, इतनी बढ़िया सब्जी बन रही है, बस टेस्ट ही कराऊंगा मैं। देखो गाइस, शादी के 19 साल में मैंने इनको इतना सिखा दिया कि अभी सब्जी बना लेते हैं। जब मेरी शादी हुई थी ना, मुक्का मारूंगा तुम्हारे मुंह, झूठे कहेंगे एक नंबर के। तुम्हारी रेसिपी नहीं है ये, रेसिपी अभी ये यूट्यूब से देख के बना रहे हैं, लेकिन किचन में आते भी नहीं थे, समझ गए, कौन सा आदमी किचन में आता है, तुम्हारा लौंडा कितना किचन में आता है, शादी के बाद ही आते हैं सारे। होय राम, बीवियां पेल के देती है ना उनके दो, मेरे लौंडे को ना चाय बनानी आती, मैगी बनानी आती, पहले उसको अंडे भी बनाने आते थे, सब आता है उसको बेसिक, और उसको मैंने कोफ्ते की सब्जी और मटर आलू पनीर की सब्जी भी सिखाई हुई है, वो भी बनाई हुई है उसने, मुझे भी आता था, कुछ नहीं आता था तुम्हें, ठीक है, पानी उबालना भी नहीं आता था तुम्हें, मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ये देखो सब्जी आ गया, बाहर देख ले पापा क्या बोल रहे हैं, तुझे कुछ नहीं आता करना किचन में, आता तो है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी लड़के को अपनी माँ के राज में नहीं आता होता, बीवी सिखाती है उसको अपनी माँ के राज में ही आता है। ये बेटा फ्राई की गई है, ये पापा ने गोभी आलू फ्राई करे हैं, थोड़े जला भी दिए, नहीं ऐसे ही होता है, डार्क ब्राउन करने थे इसमें, लेकिन रेसिपी देख के बना रहे हैं, तो आई एम श्योर ये अच्छी बन जाएगी अगर इन्होंने मसाले ठीक क्वांटिटी में डाल लिए तो। चोंच बंद ही रहती है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई कि दीदी आप चोंच ही नहीं खोलते, बात नहीं करते वीडियो में, हाँ। बात नहीं करते, मकबैंग में थोड़ी कम करी है ना बात, पिछली बार तो सब परेशान हो गए, आप बात नहीं करते, पहले जैसा वीडियो नहीं, आप हमारी जितनी बात करते हैं उसकी जगह वो उन लोगों से बात कर रही है, हाँ। और जितना घर में चिची आती है उतना वीडियो में चिची आ रही है, मैं पापा को तेरे मुंह का मारने वाली हूं, ये लोग बोल रहे हैं आप बदल गए हो, आप बोलते नहीं हो, आप हंसते नहीं हो, आप उदास रहते हो, हे भगवान उदास कहाँ से रहती हूँ मैं, दही वाली बनेगी पता तेरे को, चल अब याद आया, याद आ गया इनको कि दही भी बोली थी उसने रेसिपी में, दही तो एंड में डालनी है भाई, इसको फेंट के डालना, नहीं तो सारी फट जाएगी, दही एंड में डालते हैं, आपको कुछ नहीं आता, पीछे हो जाओ भाई साहब, ईगो पे ठेस, ईगो पे क्या ठेस, मैंने देखी रेसिपी, इसमें मेरी ईगो कहाँ जा रही, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरी पे लगी है ठेस, मुक्का मार रही हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, खुश है ये, वो मैं अपनी बत्तारी फलूँ तो खुश है, चोट बंद कर लो उसको, विस्क कर लेना दही को, नहीं तो फटी फटी सब्जी बनेगी, फिर अपने इनपुट्स
मेरे इनपुट पे बनी। मैंने अभी तुमने मैंने अभी करा ना काम, तो दोनों कान अपने पकड़े सॉरी मांग रहे हो। वो मैं वैसे ही मांग लेता वैसे सॉरी। चोंच बंद रखो फिर चोंच। सॉरी तो मैं हजार बार बोल, बोलने की तमीज नहीं है क्या? मुंह बंद रखो बस, मैं सॉरी बोल रहा हूँ पूरे दिन रात। चोंच बंद रखो, बोलो दिन रात सॉरी, दिन रात सॉरी, जाप किया करो सॉरी प्रिया सॉरी प्रिया का। मोर जो होता है मोर, हाँ बोलो, वो भी कितना सुंदर पक्षी होता है। हाँ, वो मैं दिखाती हूँ इनको मोर तुम्हारा बना के कैसा होता है मोर। बोलो कुछ बोलने वाले तुम, उल्टा मुझे मालूम। नहीं मैंने तो ये बोला कि उसकी भी चोंच होती है। हाँ, मोर की चोंच होती है। अच्छा कितनी जनरल नॉलेज बढ़ाई है सारी दुनिया की, मोर की चोंच होती है। चोंच बोलने पे नाराज हो रही हो ना तुम? गाइस ये देख रहे हो ये चोंच, ये अब ये जेलोटी जैसी चोंच, ऐसी चोंच होती है। हाँ देखो गाइस इनका नाक का साइज चोंच। क्या कर रही हो? ऐसे पकाएंगे। देखो गैस जलाने भूल गए थे, मैंने बोला था ये देख लो भोग लगाने के बाद मिलेगा। जान प्लीज तुम एक बार हफ्ते में सब्जी बना दिया करो ना, संडे संडे से देखना टोन कैसे बदल जाती है इंसानों में जब उन्हें कोई काम कराना है जान। सिर्फ संडे आफ्टरनून हम सोचेंगे विचार करेंगे, वो तो मैं बता दूंगी तुम्हें क्या सोचोगे। जब मैंने कह दिया तो कह दिया संडे को लंच में एक सब्जी बना दिया करो। हम ज्यादा बेटर लग रहे हैं, ओरिजिनल लग रहे हैं। इनको यही पता है ऑर्डर मिलना चाहिए इन्हें, तभी पता है। जब मैं बड़े प्यार से रिक्वेस्ट करके बोलती ना तो ये सुनते नहीं है। आदत नहीं है ना सारे मुझे सुनने की रिक्वेस्ट। ओए राम मुझे बदनाम कर दो, मुझे रिक्वेस्ट क्यों करती है तुम बताओ मुझे, ऑर्डर ही दे रही होती हो। ओए राम राधे राधे, श्री जी सब देख सुन रही हैं बेटे। अब दही ना पड़ जाए, एक मिनट रुक जाओ। तो मेरी पूरी रेसिपी दिखा दी तुमने, तो क्या सीक्रेट रेसिपी है? सीक्रेट मेरा सारा उजागर किसी और की देख के बना रहे हो। कच्ची देखो गाइस कैसे हिला रहे हैं, ना उल्टी ना सीधी ना कुछ कुछ, गोल गोल घुमा रहा हूँ, गोल गोल घुमा रहा हूँ। यार तुम यही खड़ी हुई हो, यही कर रही हो तो यही बना लेती। नहीं नहीं मैं जा एडिटिंग करने जा राधे राधे। गाइस सब्जी देख लो फाइनल बन गई है, बन गई अब ये। हाँ धनिया, अरे अंदर धनिया कटा पड़ा है वो डाल लो बस, ऐसे इतना सही बस। स्पेशल रेसिपी टच था ये ना, माय गॉड अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। टेस्ट करके देख लो, श्री जी को खिलाने से पहले टेस्ट कर लो। लेना टेस्ट, अब हमारा काम खत्म हो गया। धुएं छुड़वा दिए इन्होंने मेरे, माय गॉड ट्राई की मैं ये दिखा दूं। देखो गाइस आज ये स्लैब साफ कर रहे हैं क्योंकि कैमरा ऑन है। नहीं जी स्लैब पहले साफ हो गया, सारे बर्तन उधर रख दिए। चलो चलो गुड जॉब, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स इनकी टेस्टी सब्जी बनने के बाद मैंने अपने मकबांग के लिए खाना बनाया था। ये रेसिपीज मैंने उस वाले मकबांग के स्टार्टिंग में भी दिखाई है डिटेल में और लिख भी दिए थे सारे इंग्रेडिएंट्स, इसलिए यहाँ पर मैं आपको सिर्फ मूविंग स्पीड शॉट्स दिखा रही हूँ उसके। तो मैंने एक तो पनीर टिक्का बनाया था, सारी चीजें विद नो अनियन गार्लिक है, बहुत ही टेस्टी बना था ये पनीर टिक्का। मैंने तो तीन ही स्टिक्स रखी थी वीडियो में, खाई एक ही थी और बाद में फिर शाम को मोहित और पार्थ को भी बना दिया था। इन लोगों ने मेरी बची हुई दो स्टिक्स खा ली थी पहले दोपहर को, फिर शाम को दोबारा से बनाया था मैंने पार्ट के लिए। सच्ची में बहुत यम्मी बनता है। और मैंने ये नया लिया है जो बोलते हैं ना गैस वाला तंदूर छोटा सा ऐसे, इसके ऊपर पापड़ वगैरह आप भून सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ रेसिपीज की, स्पीड मोड पे दिखा रही हूँ क्योंकि अगर आप देखना चाहते हो डिटेल क्या इंग्रीडियंट्स है तो आप मेरा वो वाला मकबैंग देख सकते हो जिसमें मैंने पिज्जा पनीर टिक्का और पास्ता खाया है, उसमें आपको सारी इंग्रीडियंट्स लिखे हुए भी मिल जाएंगे। बट मैंने बोला कि इस दिन व्लॉग में मैंने बनाया तो ये सब भी था ना, तो मैं इसको डाल देती हूँ स्पीड मोड पे। बाय द वे जिस जिसने मेरा वो वाला प्रिया से एंटरटेनमेंट पे वीडियो देखा है ना ये वाला मकबैंग, वो मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा था।
तो सब कुछ बन गया था, बस यहाँ पर पिज्जा रख दिया मैंने कढ़ाई के अंदर बनाया गया। वैसे तो ओटीजी पी है घर पे, लेकिन कढ़ाई में बड़ा मस्त बना था। राधे राधे फ्रेंड्स, मेरा प्लेटर सज गया, पिज्जा एकदम मेल्टिंग चीज के साथ तैयार है, पनीर टिक्का एंड यहाँ पर हमारा व्हाइट पास्ता, साथ में मैंने रखा है पाइनएप्पल बेजल सीड जूस। तो शुरू करते हैं मकबैंग, मिलती हूँ आपको खाने के बाद। सबसे पहले अर्पण करेंगे सब कुछ हमारी श्री जी को, राधे राधे। तो गाइस मेरा मकबैंग हो गया और इन लोगों ने भी खा लिया, टेस्टी था ये, अच्छा है, स्वाद बना है। पिज्जा भी सही लगा, पिज्जा मस्त था। ये थोड़ा ठंडा हो गया पनीर टिक्का, अभी मैं तुम लोगों को बना के दूंगी फ्रेश, मैरिनेट करो बहुत सारा। राधे राधे। हाँ तू पास्ता भी खा सकते हो चाहे तो। अरे मकबैंग के लिए बनाने था ना, तो तुम्हारा भी स्नैक हो गया मस्त एकदम पार्टी फूड।